क्लासों में इतने लोग बैठे हुए हैं। लास्ट लेक्चर आपको समझ आया ना, आप थे ना? हाँ अभी देखा था फिर पिछला लेक्चर जाके घर बुक पे? नहीं हाँ तो उस लेक्चर में समझ आ गया सब कुछ। ओके अगर हम शुरू करते हैं, ओके लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पास ये हम देख चुके हैं कि वी कैन रिप्रेजेंट एनी डायनामिक सिस्टम विद अ डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीक में हमने डायनामिक इक्वेशंस और उनकी मॉडलिंग थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस की थी, और उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट मॉडल्स किस तरह से आपको डिफरेंट सिस्टम के लाइक मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल, किस तरह से उनके डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखी जा सकती है। देन दिस वीक वी आर इंट्रोड्यूसिंग और जस्ट रिव्यूइंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो पिछले लेक्चर में हमने एक तो मोटिवेट किया था कि व्हाई डू वी नीड लैपलास ट्रांसफॉर्म्स, व्हाई डू वी यूज लैपलास ट्रांसफॉर्म्स। उसमें ट्रांसफर फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था और साथ डिफरेंट थ्योरम्स भी देखे थे, और ये ब्रीफली देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो सकती है इनटू उसका लैपलास लेंगे तो वो क्या, उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे बनेगा। तो सॉर्ट ऑफ हमने ये देखा था कि आप एक सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन से, उसकी डायनामिक प्रॉपर्टीज को, और विच कैन कम फ्रॉम अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके अब इसमें यहां पे हमने कुछ थ्योरम्स डिस्कस किए थे, जैसे डेरिवेटिव का लैपलास लेंगे तो वो क्या होगा, और फॉर एग्जांपल कोई बताएगा कि अगर लैपलास ऑफ तो क्या आएगा, एस एफ ऑफ एस। सो सिमिलरली इफ आई गो फॉर द हायर ऑर्डर, f dot of 0, ठीक है, and this 0 means time 0, not s is equal to 0। ये अब आपके पास दो थ्योरम्स हैं, जरा इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाए। ये ऑफ कोर्स आप सब लोग बाद जमात 5 मिनट लेट क्यों हैं? तो मजीद लेट आया। इफ इट मेंट टू बी 6 देन इट शुड बी 6।
देखते हैं। So who is brave enough to do it on the board? एक दफा कर देने पूरा पूरा लिख लिया। एक दफा ये थ्योरम ऐसा जब अप्लाई होता है, पहला थ्योरम सेकंड ऑर्डर टर्म थी ना, सेकंड डेरिवेटिव था एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस टाइम्स एफ ऑफ जीरो। सो एफ ऑफ जीरो इज ए एंड देन एक्स डॉट जीरो इज बी। ठीक है, आगे चलो। फिर इसमें 3x माइनस 3 टाइम्स ए, ठीक है। एक्स एफ एस ठीक है। ये फंक्शन तो ये आपके पास एक कांस्टेंट आ जाएगा और नीचे तो आपके पास सारे वैसे ही रिजॉल्व्ड है। ओके भी कहते हैं। आपको चाहिए था ना टाइम पे आते, ताकि कम से कम 15 मिनट तो मिलते ना हमें। अच्छा, अब इसके आगे दो रूट्स हैं। एज फार एज ट्रांसफर फंक्शन इज कंसर्न्ड, इट्स देयर। ट्रांसफर फंक्शन इस केस में वैसे होगा, इस केस में कोई ट्रांसफर फंक्शन नहीं होगा। इसमें सिर्फ आप एक सॉर्ट ऑफ रिजॉल्व कर रहे हैं इसको। अगर आप अब लैपलास इनवर्स ले लें बोथ साइड्स का, जरा लेके देखें।
तुम लोग कहां से घूमते घामते आ रहे हो? जी कितने लोगों ने कर लिया? आपको इसका बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन से रिजॉल्व करना पड़ेगा दो हिस्सों में, और देन उन दोनों का अलग अलग आप लाप्लास इनवर्स लेंगे। कर लिया सॉल्व? कितने लोगों ने कर लिया? इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे? एक तो ये होगा, ऊपर क्या आएगा? इसका आ जाएगा 1 2a प्लस b, और इसका 1 2 3। ठीक है, किसी को ना समझ आए कि ये रेजल्ट कैसे आए। सबको क्लियर है कि ये कैसे आ रहे हैं? अच्छा, इसके आगे जब आप इंडिविजुअल लाप्लास इनवर्स लेंगे इन दोनों का, क्या आएगा? 2a प्लस बी टाइम्स माइनस टी, और इधर सो विच मीन्स कि यूजिंग ए फॉर्मूला लाइक दिस यू कैन हैव अ यू कैन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसी केस को हम दोबारा करते हैं। अभी अगर हम यहां पे एक इनपुट भी लें, आपको फोर्सिंग फंक्शन लें, उसके साथ देखते हैं क्या होता है। इट विल बी आफ्टर द ब्रेक, यू विल हैव 15 मिनट्स ब्रेक, रादर 10 मिनट्स ब्रेक। अब स्टेप वाइज चलते हैं। यू एफ एस ठीक है, आप क्या होगा?
ये तो वो है ना, इधर क्या होगा? ये है ना आपके पास, तो ये कांस्टेंट आपके पास, ठीक है। और प्लस, हाँ वेरिएबल है, ऐसा है इसके अंदर। ठीक है, और अगर मैं कहता कि यहां पे 5u ऑफ s है, तो मेरे पास ये 5 हो जाता है, ये भी 5। क्या ख्याल है, यही होगा? इफ आई से के a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 0, इसका पत्ता साफ, सो आई कैन टाइडी इट अप बाय सेइंग 5 ओवर s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 टाइम्स u ऑफ s। सो दिस थिंग सॉर्ट ऑफ गिव्स मी रेशियो ऑफ आउटपुट x एंड इनपुट u। और इस चीज को जो डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल है, लेट्स कॉल इट अ स्टेट, स्टेट और इनपुट विच इज फोर्सिंग फंक्शन हियर, ये इसका रिलेशनशिप है एंड दिस इज अ ट्रांसफर फंक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप टाइम डोमेन में इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो खाली यूएफएस ऐड करने से क्या बाकी सॉल्यूशन का क्या होता है? टाइम डोमेन में अगर आप सॉल्व करते हैं इसको, तो यूएफएस ऐड करने से बाकी सॉल्यूशन चेंज हो जाता है, क्योंकि यूएफएस इंटीग्रल के अंदर आ जाता है। आप तो किसी एक टर्म पे ऑपरेशन नहीं कर सकते, आपको पूरी राइट हैंड साइड पे एक इंटीग्रल का ऑपरेशन करना है। Which means के ये भी एक आसानी है कि आपके पास जब लैपलास से आप सॉल्व कर रहे हो, तो आप टर्म्स रिलेटिवली ईज के साथ एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको अगर आप देखें और तो पहली थिंग तो फर्स्ट थिंग इज दिस के दिस इज लीनियर फंक्शन वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसका एक ट्रांसफर फंक्शन आया। सेकेंड थिंग इज के दिस इज अ टाइम इन वेरियंट सिस्टम, बिकॉज ऑल दीज कोफिशियंट्स डू नॉट डिपेंड ऑन टाइम, दे आर कॉन्स्टेंट। सो द होल थिंग इज कॉल्ड लीनियर टाइम इन वेरियंट सिस्टम और LTI। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज पे हम फिर दोबारा वापस आते हैं, इस ट्रांसफर फंक्शन को याद रखें। नहीं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जो इसके कोफिशियंट्स हैं, हाँ उनकी बात कर, ऊपर ये वाले, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। स्टेट्स तो हैं, स्टेट या आउटपुट या इनपुट तो है टाइम डिपेंडेंट। आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो, उसको आप एक यूएफएस की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इज इट अ कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन? ये क्या सिस्टम को पूरी तरह रिप्रेजेंट करता है यूएफएस? अगर मैं एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम बनाता हूं, तो हाउ वुड यू टेल के इट्स ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ मैस टेम्पर सिस्टम और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कैपेसिटर इंडक्टेंस सिस्टम और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ हीट सिस्टम? कैन यू टेल? तो इस तरह
it means that all the above mentioned, all the before mentioned systems can have the same transfer function. So transfer function is only concerned with the dynamic behavior of a system. ये उससे से पूरी सिस्टम की कैरेक्टराइजेशन नहीं करता, ठीक है? When somebody says you कि आप इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएं, it's very important कि वो आप मैथमेटिकल मॉडल से करना क्या चाह रहे हैं? उस मैथमेटिकल मॉडल से आप करना क्या चाह रहे हैं? This is very important. अच्छा, अगर आप उसकी डायनामिक प्रॉपर्टीज देखना चाह रहे हैं, यानी कि टाइम रिस्पांस उसका कैसा है, उसके ओवरशूट्स कैसे हैं, उसके ऑसिलेशंस तो नहीं है उसमें, देन यू नीड अ डायनामिक ट्रांसफर डायनामिक मॉडल और अ ट्रांसफर फंक्शन. सेकंड थिंग इज कि अगर आप एक कंट्रोलर डिजाइन करना चाह रहे हैं फॉर अ सिस्टम, देन दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्म, बिकॉज most of the control design techniques are linear techniques. They exploit the linear property of the model. Agar aapka model hi non-linear hoga, then analysis and design are very difficult. So it's a sort of must ki aapke paas ek linear model ho. Aur jo linear model ho, wo kya system ko puri tarah represent kar payega? Ideally, practically speaking, there is no thing such thing as a linear system in this world. Jitne bhi system hai, sabke sab non-linear hote hain. Lekin, koi bhi aap non-linear system le lein, around a certain point, operating point, it behaves in a linear fashion. Us jo certain point mein jo linear fashion hai, wo jo linear behavior hai, usko aap g of s ki form mein lete hain. So this is sort of snapshot. Dynamic snapshot of the nonlinear system at a particular operating point. Sir, what will happen? A crane will be made, different patches will be made. For each one, will you design a controller? Look, controller is a different issue. But if you want to model it, then you will have to do it. Models will be different. कंट्रोलर डिजाइन टेक्निक्स हैं जो बहुत सारे मॉडल्स का इकट्ठा एक कंट्रोलर डिजाइन कर देते हैं, लेकिन इफ यू जस्ट वांट टू डू अ डायनामिक मॉडलिंग, तो आपको हर डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए डिफरेंट मॉडल बनाना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल कि अगर आप एयरक्राफ्ट की एग्जांपल ले लें, तो एयरक्राफ्ट में दो वेरिएबल्स आपको बताते हैं कि दो वेरिएबल्स के साथ एयरक्राफ्ट का डायनामिक बिहेवियर चेंज होता है. एक आप कह लें वेलोसिटी, जो कि सॉर्ट ऑफ मैक नंबर है, और दूसरा आप हाइट भी ले सकते हैं, और चलें आप हाइट ही ले लें, सिंपल इसको रखते हैं इन मीटर्स और किलोमीटर्स. विच मीन्स कि अगर जहाज, अगर एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट 0.5 मैक and maybe at let's say 3000 meters, then it will have a one transfer function. Lekin agar ye max change ho jate hain aur it starts flying at 0.3 mach at a lower altitude, then you have a different transfer function. Pehle case ka transfer function dusre case mein valid nahi hoga. Valid nahi hoga, it means ke uske jo dynamic properties hain wo यहां से यहां चेंज हो जाएंगी, ठीक है? तो ये एक डिफरेंट रीजन है, ये डिफरेंट रीजन है, इसके लिए एक डिफरेंट मॉडल होगा, इसके लिए डिफरेंट मॉडल होगा. एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अब ये जो है, जब हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट मॉडल्स होंगे, इसका मतलब कि अगर आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें इसकी, इस एयरक्राफ्ट के एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखें, जो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो वेलोसिटी और हाइट के साथ चेंज होंगे, ठीक है? जब कोफिशिएंट्स वेलोसिटी और हाइट के साथ चेंज होंगे, तो देन यू कैन से कि द कोफिशिएंट्स आर चेंजिंग विद सर्टेन पैरामीटर्स.
but in a linear fashion. ठीक है, if the change in a linear fashion, जैसे वो जो आपके coefficients से differential equation के a और b, वो अगर they are function a is let's say function of height, velocity v and height h, and let's say it's a linear function, तो फिर आपका जो system है वो LTI नहीं रहेगा. पहली बात तो ये कि linear time varying हो जाएगा. So इसको LTV भी कह सकते हैं, लेकिन more appropriate name is LPV, linear parameter varying system. इसकी अपनी properties होती हैं और we won't go into that at the moment. velocity और height constant रहती है, फिर आपको एक ही transfer function है, वो LTI है आपका. अदरवाइज हम उसको लीनियर पैरामीटर वेरिंग कह रहे हैं. आप उसको नॉन लीनियर कह सकते हैं. लीनियर पैरामीटर वेरिंग इन द सेंस के आपके पास जो ए और बी उसके कोफिशियंट्स हैं वो वेलोसिटी और हाइट पे लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक्स डॉट डबल डॉट था, क्या इक्वेशन थी ये, लेट्स से हम कह देते हैं कि ए ये ठीक है, और अगर आपके पास लीनियर पैरामीटर वेरिंग है तो लेट्स से हम कहते हैं कि ए इज इक्वल टू 5h प्लस 3v और बी इज इक्वल टू 2h माइनस 5v. तो ये क्या आएगा आपके पास 5h प्लस 3v x dot plus 2h minus 5v is equal to u. ये अब linear linear parameter varying है. ये linear, लेकिन ये linear है या नहीं है? देखें linear system की property initial condition की होती है कि आप किसी भी initial condition से start करें उसकी property वही रहनी चाहिए, वो वैसा ही behave करना चाहिए जहां से भी वो start करें. आप उसकी जो window है, window doesn't mean anything. इस केस में जहां से भी आप start करेंगे उस time value पे ये h और v क्या थे ये आपको पता होना चाहिए, वरना आपको वो characteristics सारी change हो जाएगी. वो बात ठीक है, h और v हमने कहीं पर fix कर दिए एक set के लिए. अगर आपने फिक्स कर लिए तो वहां पे वो पर्टिकुलर सिस्टम लीनियर है, वहां पे वो लीनियर है, वो हमारे पास एक लीनियर सिस्टम आ गया. ठीक है, अब हम एच और बी चेंज करते हैं. अच्छा ठीक है, और फिर उस टाइम स्पेन में हम उसको एच और बी को कांस्टेंट रखते हैं, वो भी एक लीनियर सिस्टम आया. दो आपके पास पीस वाइज लीनियर, दो अलग अलग लीनियर सिस्टम आ गए. लेकिन ये आपस में जो है अगर हम इनको विद द कोर्स ऑफ टाइम ज्वाइन करते हैं तो फिर वो पूरा सिस्टम नॉन लीनियर है. वो जो स्विचिंग है वो नॉन लीनियर होगी. नॉन लीनियर है, लेकिन वो स्विचिंग यहाँ किससे अपीयर होगी, एच और बी को चेंज करने से? यहाँ अपीयर नहीं होगी. वो इसलिए अपीयर नहीं होगी क्योंकि आप उसको ट्रांसफर फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. यानी एच जो है हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म नहीं है. देखिए, अगर आप स्विचिंग सही तरह से करना चाह रहे हैं ना, तो एच विल बी अ फंक्शन ऑफ अगेन फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम. ये नॉन लीनियर है. अगर आप सही तरह से स्विचिंग करना चाह रहे हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली पता होना चाहिए जो यहाँ पे जाएगा. फिर आपको सारी चीज ही कपूट हो जाती है, सब का सब नॉन लीनियर हो जाएगा. फिर आप उसे कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता. ठीक, ठीक है. सो इट मींस कि आपके पास इवन इफ यू हैव अ नॉन लीनियर सिस्टम यू कैन रिप्रेजेंट इट विद अ लीनियर मॉडल which is applicable in only in certain region of operation. अच्छा, अब चूंकि कोर्स का नाम कंट्रोल इंजीनियरिंग है सो कहीं ना कहीं कंट्रोलर भी होना चाहिए. कंट्रोलर क्या चीज होगी? पहले लेक्चर में बात की थी कि कंट्रोल इंजीनियरिंग क्यों चाहिए, why do we need control engineering or why do we need controllers in other words. कोई याद कर सकता है कि क्यों चाहिए हमें? स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, और
कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे? नहीं, लेकिन इस केस में मैंने आपको बताया था कि जो कंट्रोलर वी आर टॉकिंग अबाउट इज द सॉफ्टवेयर पैरामीटर सिटिंग इन द कंप्यूटर इटसेल्फ, ठीक है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एम्बेडेड कंट्रोलर एट द मोमेंट। एम्बेडेड सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर जाना उसकी बात कर रहे हैं आपके, दैट कम्स इन द परफॉर्मेंस, और वो भी ठीक है, इसको हम आगे कर लेते हैं। स्टेडी स्टेट जीरो, स्टेडी स्टेट तो जीरो नहीं, एरर जीरो होगी, और ट्रैकिंग विच इज बोथ थिंग्स आर सिमिलर, और जीरो क्या, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, हाँ स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स ये अच्छा पैरामीटर है, डैम्पिंग भी कर लें, ठीक है, इसको फिर हम आगे लेके जा सकते हैं। अब ये आपका प्लांट है स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है, चले पहले हम स्टेबिलिटी को ले लेते हैं, पहले स्टेबिलिटी को लेंगे, परफॉर्मेंस को ले, पहले परफॉर्मेंस को ले लेते हैं, इसका मतलब कि दिस इज स्टेबल, स्टेबिलिटी इज नॉट एन इश्यू। तो ये कहां जाएगा, कैसे होगा ये, मैं एक ट्रांसफंक्शन आपको लिखता हूं इस प्लांट का, लेट्स से वही वाला पहले वाली ले लेते हैं, 5s ओवर 5s प्लस 3 ओवर 5, इसके पोल्स अगर मैं बना लूं तो क्या होंगे, यही होंगे। इस केस में स्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली इश्यू नहीं है, परफॉर्मेंस कैसे एनहांस करेंगे, मोड्स तो दो होंगे, ठीक है, लेकिन लेट्स से इसकी ट्रैकिंग अच्छी नहीं है, या इसकी स्पीड ऑफ रिस्पांस अच्छा नहीं है, स्पीड ऑफ रिस्पांस लेट्स से अच्छा नहीं है, स्पीड ऑफ रिस्पांस यहां पे आपको कहां नजर आ रहा है, इसमें डिनोमिनेटर में कहां, इसको पिछले लेक्चर के साथ रिलेट करें, इस केस में अगर आप अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये दो टर्म्स उसके अंदर आएंगी, एक टर्म ई रेस पर माइनस टी और सम कांस्टेंट होगा, और प्लस ए रेस पर माइनस टू टी और सम अदर कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका वाई एफ टी होगा। तो ये कैसे आएगा, ये कांस्टेंट्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम दीज कांस्टेंट्स, और ये कब आते हैं, व्हेन यू सिंपली फाइंड द पोल्स, पोल्स आर डिफाइंड एज they are the roots of the denominator, ठीक है, denominator के जो roots हैं वो they are the poles of the system, और numerator के roots क्या हैं, they are zeros, अब अगर आप इसको solve करें तो आपको ये नजर आएगा कि अच्छा poles का twofold meaning है, पहली बात तो ये देखेंगे अगर हम या फ्रीक्वेंसी आपके एस इज इक्वल टू माइनस वन हो जाए तो क्या होगा, तो आपके पास आउटपुट इन्फाइनाइट हो जाएगी, ठीक है, विच मीन्स के अनस्टेबल हो जाएगी, लेकिन हमने तो कहा कि पोल चूंकि लेफ्ट हाफ प्लेन में है तो ये स्टेबल ही रहेंगे, पार्शियल इस पे सोचें, इस पे सोच के फिर मुझे बताएं। अच्छा अब दूसरा मतलब,
دوسرا مطلب یہاں سے آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے پاس ای کے ساتھ پولینومیلز آئیں گے نا, جو کانسٹنٹس آئیں گے وہ پولز ہوں گے, یہاں پہ آپ کے پولز بیٹھے ہوں گے سسٹم کے, ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے اگر وہ پازیٹو ہیں تو پھر یہ ایکسپوننشل آپ کا رائزنگ ہوگا, ورنہ ڈیکینگ ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر ڈیکینگ ہے تو اٹ مینس کہ اٹس اسٹیبل سسٹم. وہ نیگیٹو ہوں گے تو تبھی یہ جائے گا نا. اب پولز کا آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس کے سائن سے یہ تو طے ہو گیا, لیکن پولز کا ایک اور بھی ہے کہ جب ریٹ آف ڈیکے ول بی, یہ جو سلوپ ہے, یہ ہم نے ایک ایگزامپل بھی کی تھی اس کی کہ یہ سلوپ کیسے نکالتے ہیں, کیا اس کا انڈیکیٹر ہے. کسی کو یہ یاد ہے؟ ٹائم کانسٹنٹ is it is a pole, it is an indicator of the pole itself. اچھا, اب یہ جتنا بڑا ہوگا یہاں پہ پول, پول کا میگنیچیوڈ جتنا بڑا ہوگا اتنی جلدی یہ چیز ڈکے کرے گی, ان ادر ورڈز سسٹم اتنا زیادہ فاسٹ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایس از اکول ٹو سگما پلس جے اومیگا, اور سگما از ہیئر مائنس ون اور مائنس ٹو اور واٹ ایور. تو یہاں پہ ایس جتنا بڑا ہوگا اتنا زیادہ آپ کے پاس یا تو میگا بڑا ہوگا یا سگما بڑا ہوگا. ان ادر کیس آپ کے پاس اسپیڈ آف ریسپانس سسٹم کی فاسٹ ہوگی. میگنیچیوڈ, میگنیچیوڈ کہنا چاہیے, میگنیچیوڈ اس کا جتنا بڑا ہوگا, ایس کا میگنیچیوڈ جتنا بڑا ہوگا اتنا آپ کے پاس اسپیڈ آف ریسپانس زیادہ ہوگی. اب ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ہم یہ کہیں جی ہم نے پرفارمنس امپروو کرنی ہے تو کیسے ہوگی, اسپیڈ آف ریسپانس امپروو کرنی ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ وہ میں کیسے کروں؟ بیک بینچز بھی کچھ بولیں, ہاں ادھر سے کوئی بولا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. شرافت, فیڈ بیک کا ہمیں نہیں پتا فیڈ بیک کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں, اگر آپ کو یہاں پہ جو آؤٹ پٹ ہے اگر آپ اس کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو شرافت کیا ہوگا؟ انکریز کرنا چاہ رہا ہوں میں تو یہ ٹرانسفر فنکشن میں کیا چینج آئے گی؟ نہیں, میں نے یو انکریز نہیں کرنا, میں نے ٹرانسفر فنکشن میں چینج کرنی ہے. اس کے ساتھ میں کوئی گین ملٹیپلائی کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. اچھا, اور تو وچ مینس کہ میں نے یہاں پہ ایک بلاک لگا دیا, ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کی آؤٹ پٹ انکریز ہو جائے گی, یا اگر ڈیکریز کرنی ہے ڈیکریز ہو جائے گی, وچ ایور وے یو لائک. لیکن اسپیڈ آف ریسپانس کا کوئی ایسا طریقہ ہے؟ اچھا, اگر میں یہ کروں کہ شافت کے ساتھ کیا نام ہے, اب کیا ہوگا؟
अब ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा? मैंने वो तो पूछे, नहीं मुझे से बताएं ट्रांसफर फंक्शन क्या चेंज आएगी? डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा, तो इसके स्पीड चेंज हो जाएगी। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टर्म आ जाएगी ना, तो क्या हो रहा होगा उससे? उससे ये हो रहा होगा कि आपके पास दो मोड्स, एक ऐसे गया एक ऐसे आया, और एक मोड खत्म। तो ये दो मोड्स इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, ये तो वही है, इनका तो कुछ नहीं हुआ ना। जरूरी नहीं है कि ये जो मोड पर्टिकुलर मोड है ये फास्ट हो, आप एक एक्स्ट्रा मोड उसमें ऐड कर रहे हैं जो डिके हो जाएगा बस, बाकी तो वही रहेंगे ना। क्योंकि वाई इज सम ऑफ ऑल दीज थ्री मोड्स, ये तीन मोड्स का सम है ना, तो ये तो फॉरन डाई आउट हो जाएगा। इनको तो ये तो कुछ टाइम लेंगे, अपना जो टाइम नेचुरल टाइम है वो लेंगे। सो इट मीन्स के दिस काइंड ऑफ कंट्रोल अगर आप ट्रांसफर फंक्शन शुरू में डालें, इट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फॉरवर्ड कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कि आप शुरू में एक ब्लॉक लगा के कोशिश करते हैं कि उससे आउटपुट आपकी डिजायरेबल बन जाए, लेकिन वी कैन सी फ्रॉम हियर यू कांट चेंज मच। बिल्कुल पड़ेगा। इसे पोल्स है, पोल्स है, वो मैंने आपको लिखे दिखाया है, उसमें आप मुझे बताएं कि आपके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया जो फॉरन डिके कर जाएगा, उससे आप ये नहीं कह सकते कि फर्क एग्जैक्टली क्या पड़ेगा। बहुत पॉजिटिव रिस्पांस, फिजिकल सिस्टम नहीं, आप एक्चुअली ये करेंगे, आप थर्ड स्टेट डिफाइन कर रही हैं उसमें, जो कंट्रोलर की अपनी स्टेट है, तो वो जो भी उसकी फिजिकल स्टेट्स हैं वो चेंज नहीं हो रही। हाँ, तो वो इस वजह से ही नहीं चलेगा। अब जो भी फिजिकल सिस्टम ले रहे हैं उसको तो आप चेंज नहीं करी ना, ये तो वैसे का वैसा ही है, तो आप एक एक्स्ट्रा स्टेट ऐड करें। अच्छा, लेकिन अगर हम आउटपुट लें, उसको सेंस करें, ये आपके पास सिंपल कांस्टेंट है के, सिंपल कांस्टेंट के, आपने आउटपुट ली, फीडबैक की, उसको के से मल्टीप्लाई किया, ये आपका एक्चुअल यू था, और ये आपने कोई आर सिग्नल कह दिया यहां। पहली बात तो ये कि इसका अब ट्रांसफर फंक्शन क्या है सारी चीज का, पहले हम k इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है, और अब देखते हैं आपके पास y इज इक्वल टू g टाइम u, ठीक है, और u इज इक्वल टू r माइनस y, सो यू कैन राइट y इज इक्वल टू g टाइम्स देन आप y वाली टर्म्स उधर ले जाएं, तो क्या आ जाएगा y
जी प्लस वन ठीक है, सिंपली ये किया गया यू की डेफिनेशन वहां से लिया और इसमें सब्स्टिट्यूट किया और ये आपके पास एक डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन आ गया। और अगर मैं कहूं कि के इज नॉट इक्वल टू वन एनी मोर, यहां भी के आ जाएगा, फिर इस केस में आप U को यहां ले जाना, अगर ये U नहीं है समथिंग एल्स, लेकिन लेट्स से KG/1 KG। अब इस केस में पोल्स क्या होंगे, क्या वही होंगे जो G के पोल्स हैं? अब क्या पोल्स होंगे? अब जो भी डिनोमिनेटर है उसके जो भी रूट्स होंगे दैट विल बी योर पोल्स। अच्छा, टिपिकली क्लासिकल एनालिसिस में ये आपके पास एरर है, आर माइनस वाई इज द एरर, आर इज द डिजायर्ड सिग्नल, आर माइनस वाई इज द एरर, तो हियर यू हैव द एरर। और बाकी एनालिसिस वही रहता है। अब वो जो इक्वेशन थी हमारे पास, क्या इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन था, लेट्स से यही था, ये रहा, इसमें सब्स्टिट्यूट करें और डिनोमिनेटर निकालें, नया क्या डिनोमिनेटर होगा या ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, इसको हम टी ऑफ एस क्या लेते हैं, जैसे कॉन्स्टेंट यही हो जाएगा ना आपके पास k टाइम्स s प्लस फाइव वो cos से सात कौन ताहिर आवाज, क्या होगा डिनोमिनेटर, इधर बोर्ड पे करवा वाला, तो मैंने लिख दिया डिनोमिनेटर क्या होगा, इसको ऐसे लिखो डिनोमिनेटर को पूरा लिखो, यहां 1 प्लस kg, जी की वैल्यू लिख दो इसमें, अब आगे क्या करेंगे, अब ये करो कि डिनोमिनेटर जो उससे
यहाँ पे भी आएगा ना s+1/s+2। जो तुम्हारे पास ओपन लूप का डिनोमिनेटर है जी का, उससे दोनों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आप डिनोमिनेटर ऊपर लिख दो, यहां जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर लिखो। अब आप बताएं कि उसके क्या पोल्स चेंज होंगे या पहले वाले रहेंगे, क्योंकि इसके जो रूट्स हैं नॉट दे आर द फंक्शन ऑफ के। खोलो इसको, क्या ब्रैकेट्स खोली नहीं आती? ठीक है बैठो बस। रूट्स के लिए आप इक्वल टू जीरो कर दें। अब आपके पास यहां पे s²+3+ks+। अब अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें और इसके रूट्स निकालें, दे विल बी फंक्शन ऑफ k, और जो आप k रखेंगे रूट्स उस हिसाब से चेंज होंगे। तो आपके पास जो फिजिकल मोड आएगा वो e-t वाला, उसमें यहां कोई k पे डिपेंडेंट चीज आ रही होगी और दूसरा जो दूसरे में भी k पे डिपेंडेंट कोई चीज आ रही होगी। तो आपने दोनों पोल्स चेंज कर लिए बाय यूजिंग नेगेटिव फीडबैक, और ऑब्वियसली यू डू इट इंटेलिजेंटली, सो देयर नो पॉइंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अनस्टेबिलिटी इन इट। आप केस से चूज करोगे कि आपके पास सिस्टम स्टेबल रहे। तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ नेगेटिव फीडबैक, कि नेगेटिव फीडबैक से आप एक्चुअली परफॉर्मेंस चेंज करते हो। उन्हीं मोड्स को ऑल्टर किया आपने। ओके, इसका तो हमने पहले सवाल का जवाब दे दिया कि सेकंड क्वेश्चन का कि परफॉर्मेंस कैसे चेंज होगी। परफॉर्मेंस कैन बी चेंज बिकॉज यू कैन चेंज पोज एज यू लाइक, एंड इन अ वे यू कैन चेंज जीरोज एज यू लाइक एज वेल। कुछ और हम इसको थोड़ा सा चेंज करें तो आप जीरोज भी चेंज कर सकते हैं। तो आपकी सिस्टम की जो डायनामिक परफॉर्मेंस है वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। किसी भी ट्रांसफर फंक्शन के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो यू कैन फुली डिस्क्राइब इट, पोल्स, जीरोस एंड गेन। सर लेकिन ये तो बात ही क्लोज लूप, अगर मैं ओपन लूप पे अपना सेम ओपन लूप में परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के जो तरीके हैं, देन बेसिकली आपको सिस्टम डिजाइन इंप्रूव करना पड़ेगा, which is a very expensive scenario. Plant design improve करना पड़ेगा। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल से बहुत कम आप अचीव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वंडर्स आप उसे नहीं कर सकते। सॉरी, पोल जीरो कैंसिल, पिछले सब्जेक्ट में बता रहा था कि क्यों नहीं करते, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? ओके, सो यू नीड दीज थ्री थिंग्स। जीरोस कैसे इफेक्ट डालते हैं? लेट्स से गेन कोई नहीं आपके पास, ठीक है, अगर आप इस ट्रांसफर फंक्शन को देखें तो व्हेन एस इज इक्वल टू माइनस जी देन यू हैव जीरो आउटपुट, ठीक है। सो इट मींस के ये टिपिकल
एनालिसिस, इस तरह का एनालिसिस डीएसपी में डायरेक्टली यूज होता है, जी ट्रांसफॉर्म का जो ट्रांसफर फंक्शन है उस पर आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इस केस में आप ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते उसकी वजह फिर कभी हम देखेंगे, लेकिन जब हम बोथ प्लॉट्स पे आएंगे तो आपको वजह समझ आ जाएगी। लेकिन आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप फ्रीक्वेंसी पी के अराउंड होती है, ठीक है, आपका जो सिस्टम का गेन है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आपकी फ्रीक्वेंसी जी के अराउंड होती है तो आपका सिस्टम का गेन बढ़ना शुरू हो जाता है। कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम में जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज द इफेक्ट ऑफ जी। इसको आप अगर आप सिंपल बोर्ड एनालिसिस करें फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ओमेगा डोमेन के अंदर, या बड़े आराम से प्रूव कर सकते हैं कि जी से दो इफेक्ट्स होंगे, एक तो गेन बढ़ना शुरू हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि अगर आप इसका, इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका फेज क्या होगा, इसका इसका फेज होगा ऊपर वाले का एंगल माइनस नीचे वाले का एंगल। तो अपर एंगल डिपेंड्स ऑन जी, लोअर एंगल डिपेंड्स ऑन पोल। तो आप फेज एंगल भी चेंज कर सकते हैं, और फेज एंगल हम क्यों चेंज करना चाहेंगे वो हम बाद में देखेंगे। ओके, अभी तक हम कहां पहुंचे, हमने कहा कि फीडबैक से हमें ये फायदा होता है कि आप मोड्स को एक्चुअली चेंज कर सकते हैं। बुक्स में आप देखेंगे नेगेटिव फीडबैक के बड़े फायदे आपको मिलेंगे कि उससे ये हो जाता है, वो सिस्टम रोबस्ट हो जाता है, अनसर्टेनिटीज थिंग्स लाइक दैट, वो सारे अपने फायदे अपनी जगह है। लेकिन एक्चुअली जो इसकी वजह से चेंज आती है वो ये आती है कि आप पोल्स को डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज के आपके पास, हमने एक चीज बातों बातों में देख ली है कि अगर आपके पास दो ट्रांसफर फंक्शन हैं जी वन ऑफ एस और जी टू ऑफ एस, तो कंबाइंड ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सिंपली लीनियर मल्टीप्लीकेशन, नथिंग एल्स। सो टी ऑफ एस एस ठीक है, वॉट इफ आर टू वाई क्या होगा ट्रांस फंक्शन, अगर मैं इसको क्लासिकल सेंस में जैसे लिटरेचर में इसको एच कहते हैं, ये क्या होगा, इसको आप घर जाके ड्राइव करते रहिएगा। जनरल फॉर्मूला इसका ये होता है जी ओवर वन प्लस प्लस माइनस जी एच। अगर ये साइन नेगेटिव है तो दिस साइन विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। अच्छा, यहां पे एक बहुत काम का फॉर्मूला है कि आपको हर दफा तो ड्राइव नहीं आप कर सकते, सो देयर इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला। उसके लिए आपको दो चीजें, दो डेफिनेशंस चाहिए। पहली चीज फीड फॉरवर्ड गेन, फॉरवर्ड गेन या फॉरवर्ड पाथ, और दूसरा लूप गेन। फॉरवर्ड पाथ क्या चीज है, जैसे आपका टास्क क्या है, आपका टास्क है कि दो सिग्नल्स के दरमियान ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करें। सिग्नल जरूरी नहीं कि आर और वाई हो सकता है ई और वाई भी हो सकते हैं, वाई और ई भी हो सकते हैं, यू और वाई भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है। इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव फीडबैक तो इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका अगर आपको ये दो डेफिनेशन पता लग जाए फिर आप निकाल सकते हैं। तो पहले आप फॉरवर्ड पाथ देखें, लेट से आपने ट्रांसफर फंक्शन निकालना है टी फ्रॉम आर टू वाई, ठीक है, तो आर से चलना शुरू करें वाई तक जाएं, जो जो ट्रांसफर फंक्शन आ रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करते चले जाएं। आपके पास पहला आ गया जी ऑफ एस, ये फॉरवर्ड पाथ है। लूप गेन क्या चीज है, लूप गेन का मतलब है अगर आप इसको भूल जाएं कि ये ब्रांच आउट हो रहा था तो दिस इज अ लूप, ठीक है, इस सारे लूप का कलेक्टिव प्रोडक्ट निकाल लें जी एच,
आपका फॉर्मूला क्या है, टी ऑफ एस इज इक्वल टू फॉरवर्ड पाथ डिवाइडेड बाय वन, ये साइन ऑपोजिट होगा, ठीक है, जो साइन यहां है उसका ऑपोजिट, वन प्लस लूप गेन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप काफी कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर फंक्शन या कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं एग्जाम में दे सकता हूं जिनको आप डायरेक्टली बाय इंस्पेक्शन ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, वरना आपके 15-20 मिनट तो सिर्फ इसकी डेरिवेशन में लग जाएंगे। फॉरवर्ड पाथ डिवाइडेड बाय वन, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसको नोट कर लें, फॉरवर्ड पाथ डिवाइडेड बाय वन प्लस लूप गेन, और ये साइन नेगेटिव, अगर वहां पॉजिटिव फीडबैक होता तो ये नेगेटिव हो जाता। इसका एक और एस्पेक्ट है कि व्हाई डू वी नीड, नहीं इसका कोई डीमेरिट भी है इस नेगेटिव फीडबैक का, एक तो आपको सामने नजर आ रहा है उसको देखें, वो दैट इज सॉर्ट ऑफ फॉरवर्ड फीडबैक, ये फीड फॉरवर्ड फीडबैक है, नोबडी हैज एनी डाउट इन माइंड कि इसका कंबाइंड ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। अगर फील्ड में ये एक जैसे एक प्रेशर वेसल का कंट्रोलर है और उससे पहले इंजीनियर कोई चीज ऐसी लगा देता है, कोई कंट्रोलर प्रेशर वेसल खुद को उसका ट्रांसफर फंक्शन है ये, तो कंट्रोलर को इंजीनियर लगाता है तो उसको पता है कि एट द एंड ऑफ द डे ट्रांसफर फंक्शन ये होगा, लेकिन इस केस में ऐसे नहीं है, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट एनी मोर। जी ओवर वन प्लस सी एच, अच्छा ये क्या बन जाएगा, ये डायरेक्टली बन जाएगा जी ओवर वन प्लस सी एच, अब इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट एनी मोर, अब डायरेक्ट लिंक नहीं बता सकते जी और एच, जी और टी ऑफ एस का डायरेक्ट लिंक क्या है, अनलेस अंटिल आपको रूट लोकस आता हो, बोर प्लॉट्स आते हो, नाइक्विस्ट प्लॉट्स आते हो, इस तरह की टेक्निक्स आती हैं, वो अप्लाई करेंगे आप, फिर आप बता सकते हैं अच्छा ओपन लूप के ये पोल्स थे तो क्लोज लूप के ये पोल्स होंगे, अदरवाइज नॉट। तो ये आपने क्या किया, आपने कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रही है सिस्टम की, सो दिस इज द प्राइस यू हैव टू पे। और लेट्स से कि जी टू आपका जो प्लांट था इट वॉज अ स्टेबल सिस्टम, जब आपने एक नेगेटिव फीडबैक इसके साथ लगा दिया है, यू आर प्रोवाइडिंग अ रिमोट पॉसिबिलिटी, हाउ एवर रिमोट इट इज, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस सिस्टम कैन गो अनस्टेबल, क्योंकि इसके पैरामीटर्स ही है ना, अगर वो पैरामीटर्स आप गड़बड़ कर देते हैं, आपका डिजाइन गलत हो जाता है किसी भी वजह से, सिर्फ एक साइन का फर्क पड़ जाता है, आपका सिस्टम स्टेबल से अनस्टेबल हो जाए, सो देयर इज एन इंक्रीज्ड रिस्क। पॉजिटिव हो तो आपने देखा था सिमुलेशन में क्या होता है, इट विल बी सिंपली अनस्टेबल, क्योंकि आपने जो जी एच डिजाइन किया है वो माइनस को जेन में रख के किया है, अगर आप इसको प्लस कर देंगे तो आपके पोल्स जरूरत नहीं कि डायरेक्टली पोल्स इन्वर्ट कर जाए, लेकिन पोल्स कर सकते हैं इन्वर्ट। रोबस्टिफाई जब कर रहे थे तो पॉजिटिव ले रहे थे, बिल्कुल ले रहे थे, लेकिन उसमें आप ये देख लेंगे आपके पास जो पोल्स थे वो आप पॉजिटिव के हिसाब से बना रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट माइनस के हिसाब से करते तो वो अनस्टेबल हो जाता है, मतलब आपको साइंस जो जिस जो डिजाइन में आपने साइन यूज किए वही आपने साइंस रखने होते, फीडबैक करने से अनस्टेबल हो सकता है, डिजाइन में हम नेगेटिव के लिए करेंगे, हाँ लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंटेशन में ऑपोजिट कर देते हैं साइन तो वो डिजाइन डिफरेंट हो सकता है, सो इट कैन गो अनस्टेबल। अच्छा पॉजिटिव फीडबैक की कोई एग्जाम्पल, ये कैसे पॉजिटिव फीडबैक, कामरान हाँ ऑसिलेटर्स जो आप बनाते हैं कॉलपेट और वो सारे ऑसिलेटर्स दे आर पॉजिटिव फीडबैक फिनोमिनन, उसमें आप फीडबैक इस तरह करते हैं एडजस्ट करते हैं कि वो जो शुरू में ऑसिलेशन बनी है दे कीप ऑन बिल्डिंग अप, तो नहीं एक लेवल पे आके वो फिर सस्टेन कर जाती है, दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक फिनोमिनन।
और फिशन प्रोसेस ठीक है, अनस्टेबल है, लेकिन इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक. रिएक्टर के अंदर जो न्यूट्रॉन फिशन हो रही है, दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक फिनोमेनन. और नेचर में नेगेटिव फीडबैक, नेचर में चले सोच के नेक्स्ट टाइम हर एक एक एग्जाम्पल लेके आए. सबसे जो फेमस एग्जाम्पल वो रैबिट्स की है. ऑस्ट्रेलिया की जो रैबिट में रैबिट पॉपुलेशन है वो फॉक्स की पॉपुलेशन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है. अगर आपकी फॉक्स पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी तो रैबिट पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी. या अफ्रीका में अगर आपके पास कैटल्स की पॉपुलेशन जो है, या जो मैमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन, मैमल्स में कैटल ही कहना चाहिए, कैटल की पॉपुलेशन नेगेटिव फीडबैक रिलेशनशिप में होती है विद कार्निवोरस एनिमल्स. फूड चेन नेगेटिव फीडबैक में होती है. फिर आपके पास जो ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स हैं वो मे बी मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा कुछ और एग्जांपल्स भी, जिसमें फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर कंट्रोल का सिस्टम है, बॉडी की पोजिशनिंग कैसे होती है, वो सब कुछ नेगेटिव फीडबैक में हो रहा होता है. स्किन टेम्परेचर, इवन बॉडी टेम्परेचर नेगेटिव फीडबैक में हो रहा होता है. मदर जैसे टाइड्स आर बेसिकली, मेरा नहीं ख्याल फीडबैक है, दे आर मोर लाइक ऑसिलेशंस. हाँ पॉजिटिव फीडबैक शायद हो, शायद हो. एनीवे तो आपने ये देख लिया कि आप एक कम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं, सो इट विल ऐड सम कॉस्ट एज वेल. ठीक है, जो आपके प्लांट की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी. एनी अदर क्वेश्चन? तो अभी हम चैप्टर वन, चैप्टर टू हम खत्म कर चुके हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म का, और चैप्टर थ्री हमने स्टार्ट किया हुआ अभी. ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम, और लेट्स होप कि हम नेक्स्ट टाइम इसको खत्म करते हैं. और आप कितने लोगों को मैटलैब नहीं आती, मतलब प्रॉम्प्ट पे आप जाके कुछ ना कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर पाते हैं कि नहीं? वेरिएबल्स असाइन कर लेते हैं, सारे प्लॉट कर लेते हैं कुछ. इतनी मैटलैब अगर किसी को नहीं आती तो वो मंडे तक फिर सीख के आए. ठीक है, हम कोशिश करेंगे इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, आप वॉलंटियर कर दें. ओके, थैंक यू.